नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MPNHM बम्पर भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स, ये आपकी भर्ती भोपाल मेडिकल कॉलेज MPNHM के द्वारा निकाली गई है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए COVID-19 महामारी वैकेंसी लेके आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी कॉन्टैक्ट बेस होने वाली है, जो कि 2 महीने रहने वाली हैं। तो आप कब तक इसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं? तो आप इसमें 31 मई तक आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और ये बम्पर भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट शामिल हैं? इसमें बहुत सारी पोस्ट शामिल हैं, जिसमें आप स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, MO, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, DEO क्लर्क, वार्ड बॉय, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाई स्टेप देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसमें कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ओनली छोटा सा एक इंटरव्यू के बेस पर आपको जॉब प्रदान कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार वेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं आपके लिए स्वास्थ्य विभाग से जितनी भी वैकेंसीज आपकी निकलती हैं तो उसके बारे में लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको इसका नोटिस दिखाते हैं, जो कि MPNHM के द्वारा वैकेंसीज आई हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको मैं उस नोटिस को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहेंगे उस विज्ञापन, अब हम आ गए हैं उस विज्ञापन पर। जी, आपकी वैकेंसी जो निकल रही है वो किसके द्वारा है? वो कार्यालय अधिष्ठता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल से निकली हैं। तो 21/4 का ये आपका नोटिस है, विज्ञप्ति आपके सामने है। तो आपको जो कोविड में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, तो इसमें आपको जो कॉलेज है वो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में है, जिसमें आपका जो है चतुर्थ तल में 100 बिस्तर के ऑक्सीजन बिस्तर, यानी कि आपको 100 बिस्तर है, उसमें आपको कोविड पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। ये आपके में आपके दे रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और आपकी जो नियुक्ति 2 महीने के लिए है वो भी निश्चित नहीं है, आगे बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी घटा सकते, ये कोई आपकी संविदा बेस जॉब नहीं है। तो आप इसमें बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या क्या रहने वाली है और ये पद का नाम क्या है। तो पहले पद का नाम बात करते हैं, स्नातक कोर चिकित्सा अधिकारी या PGMO SR। तो इसमें आपकी योग्यता है वो इसके पास आपके पास MD होनी चाहिए या इसका डिप्लोमा होना चाहिए। कुल 6 पद शामिल हैं इसमें, और ये आपकी जो 1,25,000 रुपये डिग्री वालों के लिए सैलरी दी जाएगी, और 1,10,000 जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें सैलरी प्रदान की जाएगी। और दूसरी पोस्ट का नाम बता लें तो इसमें चिकित्सा अधिकारी PG रेजिडेंस वाले हैं, तो इसमें आपके लिए MBBS होना चाहिए, जिसमें आपकी 12 पोस्ट हैं, 60,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। तीसरी वैकेंसी जो पोस्ट है आपकी वो है स्टाफ नर्स की है, जो कि स्टाफ नर्स की सबसे ज़्यादा हर बार वैकेंसी रहती है, इस बार भी आपकी है, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, नर्सिंग प्रशिक्षण पंजीकृत से BSc या GNM हो, BSc नर्सिंग हो या GNM हो, तो आपको उसके लिए जो पोस्ट हैं वो 48 हैं, और इसमें 20,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। पर इसमें आपको मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा फोर नंबर पे आपकी पोस्ट दे रखी है वार्ड बॉय की, इसमें आपको जो योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए, 36 वैकेंसी आपके लिए हैं, और जो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो कलेक्टर दर द्वारा प्रदान किया जाएगा। और हेल्थ केयर वर्कर नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें 5वीं पास आपसे ही मात्र मांगा है, इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना वार्ड बॉय के लिए ना हेल्थ केयर वर्कर के लिए, डायरेक्ट ही आपका इंटरव्यू के तौर पर। इसमें भी आपकी 36 पोस्ट शामिल की गई हैं, इसमें भी आपकी जो है सैलरी है वो कलेक्टर द्वारा ही प्रदान की जाएगी। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस वर्क सीखना आना चाहिए, जिसमें स्नातक कोर PGDCA आपके कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए, और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए, जिसमें 1 मिनट में आपके 30 शब्द टाइप कर सकें, वो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जिसमें 12 पोस्ट हैं, 10,500 आपकी सैलरी प्रदान की जाएगी। अगली पोस्ट है ECG टेक्नीशियन, जिसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स एवं मध्य प्रदेश है चिकित्सीय परिषद
में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 9 पोस्ट है इसमें, आपकी सैलरी पैकेज 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अगली पोस्ट का नाम है वो है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन में आपको एक्सरे का डिप्लोमा होना चाहिए और उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए जो कि मध्य प्रदेश से हो। और आप बता दूँ उसके मध्य प्रदेश के अलावा आप किसी भी राज्य में हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 9 पोस्ट इसमें भी शामिल हैं और 15,000 रुपये प्रति महीना इसकी सैलरी है। और जो 9 नंबर पे आपकी पोस्ट दे रखी है वो है लैब टेक्नीशियन की, जिसमें आपके DMLT या BMLT हो या MLT हो, इसमें आप तीनों में से कोई भी डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। और इसमें 9 पोस्ट आपकी शामिल की गई हैं और जो सैलरी पैकेज प्रति महीना रहने वाला है वो 15,000 रुपये प्रति महीना रहने वाला है। तो इसमें पदों की भर्ती के लिए बॉकन इंटरव्यू होगा जो कि 24/4 से लेकर 25/4 तक, 24 को भी होगा 25 को भी आपका इंटरव्यू होगा, जो कि इसका समय है वो 10 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 2 बजे तक आपका आयोजित किया जाएगा। तो आप इसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ में देख लें आप डॉक्यूमेंट, ऐसे इच्छुक उम्मीदवार वॉकिन इंटरव्यू में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल दस्तावेजों की एक स्वयंप्रति या छायाप्रति के साथ लेकर आना है आपके पास, डिग्री का फोटो का, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, इन सब की फोटो कॉपी करवा कर आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं। तभी आप वहाँ पे इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू ले जाएगा तभी आपको वहाँ पे जॉब प्रदान की जाएगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हर बार मैं COVID-19 की लिए वेकेंसी लाता रह रहा हूँ कि COVID-19 चल रहा है, आपकी वेकेंसी हो रही है, केवल इंटरव्यू इस पर हो रही है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हर बार रहती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अब एज लिमिट की भी बात करने बता दूं मैं, एज लिमिट है वो सभी के लिए आपकी 21 वर्ष मिनिमम और 60 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। इसके बीच में आप इसमें हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य भर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें फॉर्म भरने की भी मैं बता दूं ज़रूरत नहीं है आपको, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जो मैं हॉस्पिटल का नाम बता दिया था उस हॉस्पिटल में जो टाइमिंग 10 से 2 के बीच में जाना है वहीं पे जाकर इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरने की कोई इसमें प्रावधान नहीं है, आप डायरेक्ट इस कॉलेज में जा सकते हैं। कॉलेज का नाम है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। तो इसमें आप टाइमिंग के अनुसार 24 और 25 के बीच में आप इसमें जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, इंटरव्यू होगा और आपको जॉब प्रदान कर दी जाएगी। और भी कुछ भी इसके अलावा कोई भी नहीं है कि आपके ना तो कोई फॉर्म भरना है ना कोई कुछ भी है इसके अलावा। तो फ्रेंड्स एक बार सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अभी भी इसमें आपको कोई डाउट है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे सर्च करें सचिन कुमार सचिन 1234, वहाँ पर मुझे सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करूँगा, आपके लिए कुछ सहायता करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।